नमस्कार, प्रेरक न्यूज में आपका स्वागत है। 3/2/2023 को बिहार राज्य के साक्षरता प्रेरक समन्वयक संघ सिवान के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव की अध्यक्षता में सिवान के गांधी मैदान में बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 15 फरवरी को पटना गांधी मैदान में बैठक कर प्रेरकों की संविदा बहाली और बकाया मानदेय को लेकर रणनीति बनाया जाएगा। जिसमें प्रेरकों ने कहा कि यह सरकार निकम्मी है, जिसकी वजह से आज सभी प्रेरक बेरोजगार हो गए हैं। पटना चलने हेतु सभी प्रखंड अध्यक्ष को बताया गया कि जल्द से जल्द अपने ब्लॉकों में बैठक कर आगामी 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में चलने हेतु ब्लॉकों का टोपी बैनर बनवाकर संघर्ष के लिए तैयारी करें। देश के अन्य सभी जिलों में प्रेरकों के संघर्ष को देखते हुए रोहतास जिला से प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने शिक्षा प्रेरकों की एक आवश्यक बैठक रखी और कहा कि प्रेरक साथियों, अब हमारा समायोजन की लड़ाई चरम सीमा पर है और हम सभी शिक्षा प्रेरकों को अपने हक और अधिकार के लिए 15 फरवरी को गांधी मैदान पटना में व्यवस्थित ढंग से धरना प्रदर्शन कर अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, जिसमें आप सभी प्रेरक साथी एकजुटता का परिचय देते हुए भारी संख्या में जुटें। निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए रोहतास जिला के प्रेरक संघ ने शेरशाह रौजा के शिवधार मंदिर सासाराम में 5 फरवरी को बैठक रखी है, जिसमें आग्रह किया है आप सभी प्रेरक साथी अपने 100% उपस्थिति देने का कष्ट करें, जिसमें कि हमारा संघर्ष सफल रहे और प्रेरकों को न्याय मिल सके। तो साथियों, जहां तक है कि अगर प्रेरक संघर्ष करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस हमारा संघर्ष और हमारी इरादे पक्की होनी चाहिए। अगर इरादा पक्का है तो हमको हमारी सफलता मिलकर रहेगी, भले ही देर हो। लेकिन शिक्षा प्रेरकों का कहना है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए चाहे जो भी हो, चाहे जो भी जुर्म सहना पड़े, चाहे जो भी कष्ट उठाना पड़ेगा, हम शिक्षा प्रेरक मिलकर अपने संघर्ष को करते हुए अपने संविदा बहाली और मानदेय को लेकर ही दम लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।